Load up my neck. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज अभी मॉर्निंग में मैं बच्चों की बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और उनकी टिफ़िन। तो बच्चों की टिफ़िन के लिए आज मैंने फिर से सैंडविच बनाया है, क्योंकि बच्चों को आजकल सैंडविच ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनको खाने में। प्रॉपर मैं जब नाश्ते बनाकर दे रही हूँ ना, छोले भटूरे या फिर कुछ भी पराठे, तो बच्चे, एक तो सैमू तो खा लेती है, अरुल को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा चलो सैंडविच वगैरह ही देती हूँ। तो मैं कभी भी सैंडविच बनाती हूँ ना, तो वो सैंडविच ब्रेड से नहीं बनाती, वाइट ब्रेड से नहीं बनाती हूँ मैं, हमेशा व्हीट जो ब्राउन ब्रेड होते हैं ना उसके बनाती हूँ, गेहूँ के आटे से जो बनते हैं, क्योंकि वो हेल्दी भी है और मतलब थोड़ा सा भरोसा रहता है कि चलो बच्चों के पेट को पकड़ेंगे नहीं, नहीं तो क्या कहा जाता है कि ज़्यादा मैदा बच्चों को मत खिलाओ, उनके पेट को प्रॉब्लम होती है, खुद भी नहीं खाना चाहिए मैदा। खैर, तो मैंने वही, इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ हेल्दी हेल्दी ही दिया जाए। तो इसमें मैंने चीज़ है और कुछ वेजिटेबल्स डाले हैं, चीज़ डाले हैं, मतलब कुछ सॉसेज और मायोनीज के साथ मैंने रेडी किया है, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो चलो हेल्दी भी है और बच्चों को जो पसंद है टिफ़िन में वही डालना चाहिए। तो मैं टिफ़िन में ऐसे ही अभी आजकल कुछ कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों को टाइम मिल नहीं रहा है, एनुअल की तैयारी चल रही है ना, तो बच्चे डांस वगैरह प्रैक्टिस में ही रह जा रहे हैं, तो बहाना एक सॉलिड मिल रहा है उनको। दीदी को बोलो निकलने के लिए, टाइम देखो ना। निकल। तो बच्चे रेडी होने शुरू हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं सैमू क्या कर रही है। अरे, अपने रूम में ये कंघी कर रही है। सैमू अपने रूम में रेडी हो रही हो? हाँ, बहुत दिन हो गए रेडी होते हुए। तो सैमू के वार्डरोब में ही मिरर लगा हुआ है। मोटा हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या लेने गई थी? हेयर बैंड। कितना हेयर बैंड कैसे तुम फैलाई हुई हो? क्या है ये सब तरीका रखने का? हाँ, वैसे हेयर बैंड टूटेगा कि नहीं? उसी में कॉर्क भी है, उसी में मॉइस्चराइजर भी है। मॉइस्चराइजर? हाँ, मुझे हेयर बैंड नहीं चाहिए, मुझे पॉन्ड्स वाला चाहिए। टेक्निक चलो, अब सैमू बड़ी हो गई है, खुद से रेडी हो जाती है, मम्मा की जरूरत नहीं है सैमू को। हो गया, चलो तुम तो रेडी हो गई, पर भाई को देखते हैं क्या कर रहा है। पट्टी ने हाय मेरा दिल लूटा। तुम भी रेडी हो गए? क्या हुआ, सुबह सुबह स्नान किया तो कुछ झटका उठका लग गया क्या तुमको? उसको से तो फास्ट है। क्या कर रहे हो तुम, घड़ी पहन के जाओगे? घड़ी थोड़ा लूज ही पहना है, ठीक है? अरुल घड़ी पहन के जाता है। हाँ, आपको दिखे, हर दिन मैं पहन के जाता हूँ। आप कमेंट में करके बताइए आपको स्कूल में स्मार्ट वॉच अलाउड है क्या नहीं, ठीक है? स्मार्ट वॉच अलाउड है कि नहीं? स्मार्ट वॉच, मैं भी कमेंट में, स्मार्ट वॉच किसी भी स्कूल को अलाउड नहीं है। है तो मैं भी अपना कमेंट में बताऊंगा कि मेरे को अलाउड है क्या नहीं। तो कमेंट में क्यों बताओ, तुम अभी बता दो। इधर से लिखो। अब अरुण आया भगवान जी को याद करने के लिए। आज हिंदी मराठी दोनों में से कुछ भी नहीं है आज। आज कुछ है ही नहीं, सारा खत्म है। ईवीएस है, मैथ है तुम्हारा आज क्लास।
तुम हिंदी मराठी मुझे लगा कि एग्जाम के बारे में बोल रहे हो। तुम हिंदी और मराठी के दिन जल्दी करो, बस का टाइम हो चुका है। हाँ रेडी हो रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे सैमू जो है वो पूजा दिया वगैरह लगा रही है, तो आजकल उसको ये सब मैंने बोला है तो आजकल वो करती है। 2-4-6 महीने से इसने शुरू किया हुआ है, एकदम नियम से ये कर देती है पूजा। खैर बच्चे चले गए हैं और मैं अब आ गई हूँ फिर से किचन में, और आज मुझे बनाना है छोले भटूरे। तो ऐसे मैं छोले भटूरे सुबह ही मॉर्निंग ही बनाती थी, बच्चों को भी टिफ़िन में डाल देती थी, लेकिन आजकल बच्चों को देख रही हूँ कि मतलब खाने का उनका जो इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म हो रहा है, चेंज हो रहा है जैसे कि। तो बच्चों के मूड के हिसाब से चलते हुए मैंने उनको तो सैंडविच दे दिया है, लेकिन छोले भटूरे बच्चों को बहुत पसंद है। बट हो सकता है कि स्कूल में टाइम नहीं मिलता होगा ना, तो इसलिए बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि पसंद नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी बना लेती हूँ और बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो छोले बॉईल किए हैं ना उसमें मैंने सूखे आंवले जो होते हैं ना वो मैं डाल देती हूँ इसके कलर को अच्छा देने के लिए। तो अमृतसरी पिंडी छोले जो बनते हैं ना तो इस टाइप से बनते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि आंवले डालती हूँ, बहुत लोग चाय पत्ती डालते हैं, इसे निकाल के आपको फेंक देना है जब बॉयल हो जाए ना। तो जब आप प्रेशर कुकर खोले तो फिर आप आंवले चुन के निकाल लीजिए और इसके सारे पानी को आप निकाल के चाहे तो सेपरेट कर लीजिए कि छोले की जब हम ग्रेवी करते हैं उस टाइम पे या मसाले के साथ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे जो छोले हैं वो मैं निकाल ले रही हूँ बाउल में, उसके बाद हम मसाले की तैयारी करेंगे। तब तक आप भी आ गए हैं बच्चों को छोड़ करके, तो बस आ गई है। चलिए फ्रेंड मैं फिर से चलती हूँ किचन में, क्योंकि मैंने काम अधूरे छोड़ दिए। तो मैं अब छोले बनाने की थी, ये जो मैं छोले बना रही हूँ इसमें पहले गैस वगैरह ऑन नहीं करेंगे, मतलब मैं जो टेक्निक से बनाती हूँ ना उससे मैंने झटपट छोले बन जाते हैं। तो मैंने पहले कुकर में ऐसे ही पहले प्याज और टमाटर रफली चॉप करके डाल दिए, साथ में मैं अदरक लहसुन की पेस्ट 1-2 चम्मच डाल देती हूँ, क्योंकि इस चीज़ के टेस्ट काफ़ी अच्छे आते हैं अगर लहसुन या अदरक जो है ना थोड़ी सी अच्छी क्वान्टिटी में डालिए। तो फिर यहाँ पर मैं सॉल्ट डाल देती हूँ, सॉल्ट भी जितने छोले हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सॉल्ट छोले और प्याज मसाले के अकॉर्डिंग ही आपको नमक डाल देने हैं। पानी डाल दिया मैंने और यहाँ पे थोड़े से गरम जो खड़े गरम मसाले होते हैं ना जैसे बड़ी इलायची छोटी इलायची दालचीनी जावित्री वगैरह को मैंने डाल के लौंग डाल के मैंने मोटा मोटा कूट दिया है और इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये जब एकदम से आपके पास टाइम नहीं हो और आपको छोले बनाने हो ना तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बनेगी बिल्कुल भी फ़र्क टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन एक अलग टेस्ट एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं कुकर को यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है कुकर रख के और 2-3 सीटी आने दूंगी उसे मसाले को। तब तक इधर मैंने भटूरे का आटा मैं रेडी कर लेती हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा। तो मैं कभी कभी मैदे में थोड़ा सा आटा भी गेहूँ का आटा भी मिक्स कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन आज मैं सिर्फ मैदे का ही कर दे रही हूँ। और उसमें मैं दही डाल करके 4-5 चम्मच मैंने दही डाली है और सॉल्ट डाला है थोड़ा सा और हल्के से पानी के छींटे दे करके मैंने यहाँ पे आटे की डो रेडी कर ली है और उसे मैंने रेस्ट करके, क्योंकि उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है आटे को करने के बाद, आपको आधे घंटे कम से कम छोड़ दीजिए। यहाँ पे इसने भी 2 सीटी दे दी है तो मसाले को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और थोड़ा सा इसको पहले प्याज को जैसे हम ऐसे मिक्स करेंगे ना तो प्याज जो खड़े रहते हैं ना वो गले हुए रहते हैं बट खड़े खड़े, तो उसको थोड़ा सा मिक्स किया तो वो दब जाते हैं। फिर उसमें आप छोले डाल दीजिए और फिर छोले के साथ में मसाले को और मसाले के साथ में छोले को फ्राई होने देते हैं। तो मैंने मिक्स कर दिया है और मैं यहाँ पे कुकर के ढक्कन को थोड़ा सा डाल के छोड़ूंगी, बंद नहीं किया है मैंने, उसको बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। इधर मैंने अभी थोड़ा सा, आप जब आटे रेडी कर लीजिए उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़िए, तो मैंने वही किया था। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें अब छोले भटूरे बनाने के लिए, मैं भटूरे बेलने शुरू मैंने कर दिए हैं, क्योंकि क्या है ना कि ये आज सिन्हा जी को भी 9:15 में ही निकलना है, तो पहले झटपट मैं यहाँ पे बेल बेल के रख रही हूँ 2-3 को पूरियाँ बना करके, और इधर छोले भी बन रहे हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे तो छोले भटूरे हो गए हैं रेडी, तो मैं सिन्हा जी को दे देती हूँ क्योंकि वो नाश्ता करेंगे और निकलेंगे। और 9 बजे का टाइम ऐसा होता है ना, कुछ टाइम पे कुछ ज़्यादा खाने का भी मन नहीं होता है, लेकिन उनके साथ में मजबूरी है कि वो टिफ़िन लेकर नहीं जाते हैं, जो खाएंगे बस यहीं पे खाएंगे और उसके बाद फिर वो घर आने के बाद ही खाते हैं, या बाहर में कभी जूस वगैरह ले लिया तो मैंने प्याज हरी मिर्च नींबू और अचार के साथ में छोले भटूरे परोस दिए हैं। तो चलिए सिन्हा जी खा करके तो जाएंगे ऑफिस। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वापस से सब्सक्राइब के बटन ऑन नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगी। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें।